नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल नेटवर्क। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई एक स्कीम के बारे में, जिसमें हरियाणा सरकार के द्वारा आपको 2.5 लाख रुपए तक की मदद की जाती है। हरियाणा सरकार के द्वारा जाति प्रथा के भेदभाव को खत्म करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज का प्रावधान किया गया है। अगर कोई कैंडिडेट अनुसूचित जाति से शादी करता है या अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी अदर कैटेगरी अदर कास्ट से जनरल बीसी ओबीसी किसी भी कास्ट में या कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति एससी कास्ट से शादी करता है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा उसको अंतरजातीय विवाह शकुन योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। देखिए, यह प्रोत्साहन राशि है जिससे कि लोगों को मोटिव मिले और जाति प्रथा को खत्म करें, वो एक दूसरी कास्ट में शादी करें। इस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए मैं आपको आज इस पूरी वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। उसके बाद आप सिर्फ फॉर्म अप्लाई करके डायरेक्ट अपने अकाउंट में 2.5 लाख रुपए पा सकते हैं। अगर आप किसी भी अनुसूचित जाति के कैंडिडेट से शादी करते हैं या फिर कोई भी अनुसूचित जाति का कैंडिडेट जनरल कास्ट से अदर कास्ट से शादी करता है, तो इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले मेन कंडीशन यह है कि एक कैंडिडेट एससी हो, दूसरा जनरल कास्ट से हो, जनरल या बीसी ओबीसी किसी भी कास्ट से हो, होना एक कैंडिडेट एससी चाहिए, तभी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के जिला कल्याण कार्यालय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस में फॉर्म अप्लाई करना होता है। फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है, कितनी फीस लगती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ताकि आप एक बार में फॉर्म अप्लाई करके फ्री हो जाएं। तो दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास पति और पत्नी जो मैरिड जोड़ा है, जिन्होंने इंटरकास्ट शादी की है, दूसरी जाति में शादी की है, उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड, दूसरा इसमें एज का प्रमाण मैंडेटरी है, लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी जरूरी है। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट इसमें लगेगी, मैरिज सर्टिफिकेट विवाह प्रमाण पत्र जिसे आप कह सकते हैं, आपके तहसीलदार या एसडीएम महोदय द्वारा जारी होना चाहिए। उसके बाद एससी कैंडिडेट जो है उसकी जाति प्रमाण पत्र इसमें लगेगी। उसके बाद हरियाणा डोमिसाइल कि आप हरियाणा के स्थाई निवासी हैं। उसके बाद आपने विवाह की एक फोटो देनी है, एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है बैंक में, एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट हो और उसमें पहला नाम लड़की का होना जरूरी है। उसके बाद राशन कार्ड अगर आपके पास है तो लगा दे, अन्यथा कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद एक एफिडेविट पत्नी ने देनी है और एक एफिडेविट पति बनवाएगा कि हमारी ये पहली शादी है, मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मेरी पत्नी इस कास्ट से बिलोंग करती है, हमने इस अपने रिवाज के अनुसार शादी कर ली है, हमारी शादी इतने तारीख को हुई थी, इस प्रकार की आपने पति और पत्नी ने दोनों ने एक अलग अलग एफिडेविट बनवानी है। जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एज प्रमाण जैसे कि आपकी 10th की सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा डोमिसाइल, एफिडेविट, बैंक की पासबुक, राशन कार्ड अगर है तो, और मैरिज सर्टिफिकेट इसमें आपके पास होना जरूरी है। ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। अगर आप कंप्यूटर के जानकार हैं, अगर आपको कंप्यूटर आता है, तो आपको सिर्फ अपना कंप्यूटर लॉगिन करना है और उसमें सरल हरियाणा वेबसाइट पर जाएंगे। सरल हरियाणा वेबसाइट पर जाकर लॉगिन आईडी रजिस्ट्रेशन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद में इंटरकास्ट मैरिज सर्च करेंगे, वो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा और इस फॉर्म को आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप इनके साथ एक ही पीडीएफ में बनाकर लगा दें। 2-3 अलग अलग पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही पीडीएफ में डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर दें। देखिए, सरल हरियाणा पोर्टल पे फॉर्म अप्लाई होता है, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं होती, किसी दलाल के चक्कर में नहीं घूमना पड़ता, आप खुद भी अपने घर पे सिर्फ आपने ऑनलाइन करना है। उसके बाद में आपने कहीं पर भी कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जमा नहीं करवाना है। देखिए, अगर आप चाहें जल्दी करवाना चाहें तो आप अपना फॉर्म अप्लाई करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस, जिला कल्याण कार्यालय जो आपके हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहां पे वो स्लिप नंबर ले जाके अधिकारी से चेक करवा सकते हैं।
कि देखिए सर, मैंने ये फॉर्म, हमने इंटरकास्ट शादी की थी और ये फॉर्म अप्लाई कर दिया है, अगर आप हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बता दीजिए, हम इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे। अगर आपका फॉर्म सही होगा तो अधिकारी आपकी वेरिफिकेशन करके, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए की राशि डाल देंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना नहीं आता है तो आपको मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए थे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेने हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में आप डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस, जिसमें आपको ये इंटरकास्ट के लिए 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां जाएं। उनके अंडर में अंत्योदय भवन आता है, जो कि सरल के अंदर अंत्योदय भवन आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होता है, वो मात्र 10 रुपए फीस चार्ज आपसे करेंगे और आपका फॉर्म अप्लाई करके आपको घर भेज देंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई, तो आपको बता देंगे कि आपके फॉर्म में ये कमी है, तो आप इसको पूरी कर दीजिए। जब आप उनके पास जाएंगे तो वो आपका फॉर्म मात्र 10 रुपए फीस में अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में आप अपने घर पे आ जाइए, क्योंकि आपका फॉर्म भी वहीं चेक हो जाएगा और फॉर्म भी अप्लाई वहीं से हो जाएगा। अधिकारी महोदय के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी शादी सही पाई जाती है, तो 1 या 1.5 महीने के अंदर जैसे ही बजट आता है, आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए की राशि डाल दी जाएगी। इस प्रकार हरियाणा सरकार इंटरकास्ट अगर कोई करता है, अंतरजातीय विवाह करता है, अनुसूचित जाति के साथ विवाह करता है, या अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी दूसरी जाति में विवाह करता है, तो उनको ये रकम दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।